सो हेलो इसके फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया की सबसे चीपेस्ट 125 सीसी मोटरसाइकिल के बारे में, क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीटी 125 एक्स के बारे में, जो कि दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट में सबसे चीपेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले और जानने वाले इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन, कम्फर्ट, सस्पेंशन और एक लास्ट बात करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस बाइक के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एज यूजुअल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बाइक का जो फ्रंट लुक है वो बिल्कुल ही आपको सीटी 110X के जैसा ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैट कलर के अंदर वाइजर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ही आपको इंटीग्रेटेड DRS देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट माउंट देखने को मिलता है और नीचे आपको राउंड शेप में हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कलर स्कीम है ब्लैक और ग्रीन वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको मैट कलर के अंदर इसका मड गार्ड देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस बाइक के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है विद CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। वहीं बात करते हैं फ्रंट टायर के बारे में, तो इसमें दोस्तों आपको 80x100 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। वहीं बढ़ते हैं साइड की तरफ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको इंजन कवरिंग देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसमें इंजन के बारे में, तो इसमें आपको ऑल न्यू 125 सीसी का एयर कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 10.7 BHP का पावर और 11 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बाइक का जो पावर और टॉर्क फिगर है वो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, जिसके चलते आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला इस बाइक को चलाने में। और बात करते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें आपको SOS विथ नाइट्रोक्स गैस कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देने में हेल्प करता है। तो वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो सीटी 110X या फिर प्लेटिना बाइक है वो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट वैसे भी देती है। अब आते हैं इस बाइक के सीट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बाइक में आपको काफ़ी लंबा चौड़ा सीट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बाइक का जो कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो यहाँ पर आप लोग 3 लोग काफ़ी कंफर्टेबल इस बाइक से राइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के रियर लुक के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इस बाइक का ग्रैब रेल। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना थोड़ा बहुत लगेज वगैरह रखकर इसे बांधकर लेकर भी जा सकते हैं, जो कि दोस्तों इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। वहीं बात करते हैं इस बाइक के रियर लुक के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को हैलोजन टेल लैंप और हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं एज यूजुअल, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट माउंट और ये रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस साइड के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बाइक में आपको राइट साइड में भी आपको फुटेज देखने को मिल जाता है थर्ड पैसेंजर के लिए, जो कि दोस्तों अभी तक इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो कि थर्ड पैसेंजर के लिए फुटेज ऑफर करती है, जो कि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको एनालॉग के कॉम्बिनेशन में ही मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि एज यूजुअल पहले से ही आपको कंपनी देती है। तो यहाँ पर आपको स्पीड पता चलता है ओडोमीटर, और राइट साइड में आपको यहाँ पर फ्यूल शो होता है और यहाँ पर आपको बजाज का लोगो देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा हैंडल टाइप का देखने को मिल जाता है, तो अगर आप फ्रंट में कोई छोटे बच्चे वगैरह को बैठाते हैं तो उसे पकड़ने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। बाकी दोस्तों इस बाइक में कंपनी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर को ऐड कर दिया है, जो है दोस्तों चार्जिंग पोर्ट। तो इस बाइक में यहाँ पर आपको फ्रंट में ही एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड वगैरह करना चाहते हैं, दूर दूर अगर आपको मतलब कि इस बाइक को लेकर जाना है, तो आपको चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें आपको इंटीग्रेटेड चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मिरर भी इसका काफ़ी ज़्यादा बल्की और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दिखता है, एकदम स्पोर्ट्स बाइक के जैसा इसका मिरर दिया गया है, और आपको विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है क्योंकि इसका वाइडनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अब बारी इस बाइक के प्राइसेस के बारे में बात करने की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस बाइक के वेरिएंट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको टोटल 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, पहला है ड्रम और दूसरा है डिस्क। बट दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रम वेरिएंट के एक्सोरूम प्राइस के बारे में, तो दोस्तों ड्रम वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस आपको 71,520 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं डिस्क वेरिएंट के बारे में, तो इसका एक्सोरूम प्राइस आपको 74,720 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इस बाइक का दोनों ही मॉडल्स आपको अप्रॉक्स 85,000 से लेकर 90,000 यानी कि 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में ऑन रोड देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इसके लिए स्टे ट्यून्ड।